जब भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है, और पब्लिक अनाउंसमेंट में एक इनविटेशन होता है सभी क्रेडिटर्स को कि विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम एंड विद इन ए प्रेस्क्राइब फॉर्म वो अपने क्लेम्स सबमिट करें। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब इतने सारे क्लेम्स आते हैं तो जो क्रेडिटर्स अमाउंट क्लेम की फाइल करता है क्या वो उसे एडमिट कर ले, या उसे वो किस तरीके से असेस करे कि कितना अमाउंट से एडमिट करे या रिजेक्ट करे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमको जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में डेफिनेशन दी गई है क्लेम की वो भी देखना पड़ेगा, और कुछ केस लॉज भी कई बार रेफर किए जा सकते हैं क्लेम के अमाउंट को एडमिट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लेम की डेफिनेशन क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में दी गई है। तो अंडर सेक्शन 3(6) सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 3 डिफाइंस क्लेम एज क्लेम मींस क्लोज ए सेज ए राइट टू पेमेंट एंड क्लोज बी सेज राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट गिव्स राइज टू ए राइट टू पेमेंट। तो यहां ये दोनों बातें ध्यान देने वाली है कि जो डेफिनेशन दी गई है क्लोज 3(6) ए में वो ये है कि ए राइट टू पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस्ड टू जजमेंट फिक्स्ड डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड लीगल इक्विटेबल सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सबसे बड़ी बात यह है सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वेदर द क्रेडिटर हैज ए राइट टू पेमेंट एंड क्लोज बी सेज राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड विच गिव्स राइज टू ए राइट टू पेमेंट देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज क्लेम इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इफ सच ब्रीच गिव्स राइज टू ए राइट टू पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस्ड टू जजमेंट फिक्स्ड मैच्योर्ड अनमैच्योर्ड डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 3(6) में दी गई है उसके साथ में हमको दूसरी डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी जो सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 3 में दिए इट इज अबाउट डेट। तो डेट का मतलब क्या होता है, डेट मींस ए लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम व्हिच इज ड्यू। तो जब क्लेम ड्यू हो जाता है तो वो डेट बन जाता है, और इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल डेट बोथ। तो सबसे पहले हमने क्लेम समझी, क्लेम की डेफिनेशन भी काफी जनरल एंड एग्जॉस्टिव है, तो इसलिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इस क्लेम की डेफिनेशन में जो क्रेडिटर्स ने क्लेम फाइल किया है वो आता है या नहीं है, और दूसरा जब क्लेम ड्यू हो जाता है तो इट बिकम्स डेट। देन अंडर सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 3 सेज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ डेट when whole or any part or installment of the amount of debt has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor as the case may be then it will be called as default। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि claim क्या है, फिर claim जब due हो जाता है then it will become debt, और जब debt default हो जाता है तब कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की कार्यवाही किसी भी कॉरपोरेट डेटर के खिलाफ शुरू की जा सकती है। तो इस केस को क्लेम को और अच्छी डेफिनेशन में समझने के लिए एक बहुत अच्छा केस लॉ है वो हम आज देखेंगे, इट इज डिसाइडेड बाय एनसीएलटी चंडीगढ़ बेंच इन द मैटर ऑफ सी शेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज राजपुर हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में हम ये देखेंगे कि
ऑपरेशनल क्रेडिटर ने क्लेम फाइल किया और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उसको डिसाइड किया और उसके बीच में डिस्प्यूट हुआ। और जब इस तरह का डिस्प्यूट हो गया तो फिर ये पिटीशन, ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर जो था वो था किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था मिस्टर संजय कुमार देवानी। तो जब ऑपरेशनल क्रेडिटर ने क्लेम फाइल किया और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उसको एडमिट नहीं किया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी के पास ये एप्लीकेशन फाइल हुई। तो हम सबसे पहले यहां देखेंगे कि सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 60 डिफाइंस दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉरपोरेट पर्सन इज एनसीएलटी इन द मैटर ऑफ कॉरपोरेट पर्सन। और कब? तो सेक्शन 65 सेज नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द एनसीएलटी शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन और डिस्पोज ऑफ एनी एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द कॉरपोरेट डेटर और कॉरपोरेट पर्सन। बी, एनी क्लेम मेड बाय और अगेंस्ट द कॉरपोरेट डेटर और कॉरपोरेट पर्सन including claims by or against any of its subsidiaries situated in India. And C, any question of priorities or any question of law or facts arising out of or in relation to the insolvency resolution or liquidation proceedings of the corporate debtor or corporate person under the code. So, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 60 सेज कि जो एनसीएलटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर है इस तरह की एप्लीकेशन, जब भी कोई सीआईआरपी में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो कॉरपोरेट पर्सन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वुड बी एनसीएलटी। तो अब ये केस देखते हैं हम कि ये केस की डिटेल क्या थी। तो जो पिटिशनर है उसने, द पिटिशन वॉज फाइल्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड इट वॉज फाइल्ड बाई मेसर्स सी शेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और सी आई आर पी इनिशिएट हो गई बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी डेटेड 11th July 2017। और जैसे ही ये सी आई आर पी इनिशिएट हुई मोरटोरियम स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्रेजेंट एप्लीकेशन थी ये इट वॉज फाइल्ड अंडर सेक्शन 65 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ क्लेम ऑफ रुपीज 35.42 करोड़ एज ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉरपोरेट डेटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था 17 फरवरी 2014 को, वो रेफरेंस भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम सबमिट किया था और उसी रेफरेंस पे उन्होंने सप्लाईज की थी। तो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट द एप्लीकेंट स्टार्टेड डिजाइन एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। पर जिस दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ उस दिन से ही, शुरू दिन से ही कॉरपोरेट डेटर वॉज इरेगुलर इन रिलीजिंग पेमेंट्स एंड कॉरपोरेट डेटर वॉज ऑल्सो सपोज टू ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पर उसने, कॉरपोरेट डेटर ने लेटर ऑफ क्रेडिट भी ओपन नहीं की। इवन देन द एप्लीकेंट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑन द एश्योरेंस ऑफ द कॉरपोरेट डेटर टू रिलीज द पेमेंट। अब उसके बाद एप्लीकेंट ने कुछ मटेरियल साइट पे कॉरपोरेट डेटर को डिस्पैच भी कर दिया और उसके अगेंस्ट में कॉरपोरेट डेटर ने कुछ एडहॉक पेमेंट भी एप्लीकेंट को कर दिया। फिर एप्लीकेंट ने इंसिस्ट किया कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट तो ओपन करो, बट इवन दो इट वॉज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन बट कॉरपोरेट डेटर डिड नॉट डू सो। So the applicant withheld the supply of pending material amounting to rupees 6.94 crores, which is still lying idle at the work of applicant. वो applicant के पास ही उसने
सप्लाई रोक ली और अपने पास ही रोक के 6,95,00,000 के लगभग की सप्लाई रोक के रख ली। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखने का वो ये है कि द सेड इक्विपमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोक्योर्ड आफ्टर रिसीविंग मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंसेज। तो जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेंट ने कंटिन्यू रखी ये आफ्टर रिसीविंग मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंसेज, कॉरपोरेट डेटर ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंसेज भी दी, अप्रूवल भी दी और कॉरपोरेट डेटर ने इवन इंस्पेक्शन भी किया सम ऑफ द इक्विपमेंट्स का एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंसेज अप्रूवल्स एंड इंस्पेक्शंस कॉल्स ये सारी रिपोर्ट्स उसने एप्लीकेंट ने कॉरपोरेट डेटर की जो ये रिपोर्ट्स थी इट वॉज सबमिटेड टू द आरपी ड्यूरिंग द सबमिशन एंड इवेल्यूशन प्रोसेस ऑफ द क्लेम। तो ऑन 27th of November 2017 एप्लीकेंट फाइल्ड द क्लेम इन प्रेस्क्राइब फॉर्म बी फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 35.42 crores आउट ऑफ विच 6.94 crores वॉज अबाउट आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच द मटेरियल वॉज नॉट सप्लाइड बट विदहेल्ड विद द एप्लीकेंट and then material inventory cost, escalation cost, overstay cost, watch and ward. Total milake jo claim file kiya applicant ne wo tha 35.42 crores ka. Now after submission of the claim, resolution professional by way of email dated 6th of March 2018 asked to the applicant for some additional documents jisse ki wo ye enable ho sake ये डिसाइड कर सके कि हाउ मच क्लेम कैन बी एडमिटेड और इफ और वेदर द क्लेम मे बी एडमिटेड और नॉट। तो 15th मार्च 2018 को एप्लीकेंट ने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इवन उन्होंने एप्लीकेंट ने स्टेशनरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगाया showing the copy of ledger of corporate debtor in the books of the applicant. अब यहां मैं जो ऑडिटर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है पर्टिकुलरली उनको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि दे शुड नॉट इशू सर्टिफिकेट विदाउट प्रॉपर बैकिंग। अगर कोई टेक्निकल मैटर्स हो या कोई डैमेज का क्लेम हो तो जब भी कोई डैमेज का अमाउंट है या कोई टेक्निकल ऐसी बात आती है तो वहां पे उनको बिना किसी सॉलिड प्रूफ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सर्टिफिकेट इशू नहीं करना चाहिए। बट हियर इन दिस केस स्टेचुटरी ऑडिटर सर्टिफाइड एंड फर्निश्ड द एप्लीकेंट फर्निश्ड द सर्टिफिकेट ऑफ स्टेचुटरी ऑडिटर अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आस्क्ड फॉर supporting of contractual provisions in support of the claim, so which was also elaborately explained by letter dated 26 March 2018 by the applicant. Now 25th of May 2018 RP stated that the decision communicated via email dated 6th of March 2018 remains unchanged, yani your claim has been rejected and the corporate insolvency resolution process has been completed with committee of creditors approving the resolution plan. Now resolution plan is filed with the NCLT Chandigarh bench and is under their active consideration. Aur agar ab applicant chahta hai is matter ko further pursue karna to he has to apply to the NCLT bench Chandigarh but within a permissible time limit. Now applicant submitted and asked that it is the legality of the claim can only be decided by the tribunal and RP ought to give sufficient and cogent documents. RP ko ye batana padega ki why the claim has not been admitted because it is the fundamental right of the creditor to know why the claim has been rejected and on what grounds and what are the supporting documents to reject the claim. So applicant has prayed that RP be directed to verify and admit the entire claim of operational debt of amount of rupees 35.42 crores.
और उन्होंने एप्लीकेंट ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लिखी कि आरपी को यह भी डायरेक्ट करो कि वो फर्दर कोई मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं करे जब तक कि फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए इस एप्लीकेशन का। सो 31 जुलाई 2018 को द आरपी द नोटिस वॉज इश्यूड टू द आरपी टू फाइल इट्स रिप्लाई। देन आरपी फाइल्ड रिप्लाई टू द एप्लीकेशन ऑन 4 सितंबर 2018। अब आरपी कहते हैं यहां पे कि दैट ही हैज चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड फ्रॉम द परयूजल ऑफ द लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट इज वेरी मच क्लियर दैट द कॉरपोरेट डेटर हैज मेड ए टोटल पेमेंट ऑफ रुपीज 2.96 crores टू द एप्लीकेंट। कॉरपोरेट डेटर ने 2.96 करोड़ का पेमेंट एप्लीकेंट को किया है और उसके अगेंस्ट में एप्लीकेंट ने 1.35 करोड़ का मटेरियल हमको सबमिट किया है, यानी 1.60 करोड़ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड रिकवरेबल फ्रॉम द एप्लीकेंट इन द बुक्स ऑफ द कॉरपोरेट डेटर। यहां बात एकदम उल्टी हो जाती है कि कॉरपोरेट डेटर ये कहता है कि हम तो खुद उससे 1.60 करोड़ मांगते हैं क्योंकि हमने टोटल एप्लीकेंट को 2.96 करोड़ का पेमेंट किया है आउट ऑफ विच वी हैव रिसीव्ड द मटेरियल ऑफ रुपीज 1.35 करोड़ ओनली एंड इट इज स्टेटेड बाय द आरपी दैट ही हैज एक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कोड एंड वेरीफाइड द क्लेम एज पर आईबीबीआई रेगुलेशंस एंड इट इज ऑल्सो फाउंड दैट एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी क्लेम्स Since there was no clause in the agreement, अब यहां आप क्लेम की डेफिनेशन पे आइए और इस पॉइंट को वापस दोबारा समझिए कि जो आरपी ने क्या कहा कि एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी क्लेम सिंस देयर वॉज नो क्लोज इन द एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द एप्लीकेंट विच कुड सपोर्ट the alleged claim and that even in the present application the applicant has failed to provide any clause of the agreement on the basis of which the applicant is entitled to the claim. yani yahan pe jo baat aa rahi hai ki clause agreement ka jo hai wo missing hai which makes the applicant entitled for the claim. so during the course of hearing It was argued by the learned counsel for the applicant. Applicant के counsel ने कहा कि despite furnishing of evidences, हमने इतने evidences furnish कर दिए, फिर भी RP ने wrongly conclude किया that the applicant had failed to substantiate the claim with necessary documentary evidence and nothing specific was pointed out. तो applicant का ये कहना था कि हमने इतने सारे documentary evidences और ये कर दिए कि इतने क्लियरेंसेज अप्रूवल्स और ये सब भी थी, कॉरपोरेट डेटर का एश्योरेंस भी था एंड वी हैव डन द मैन्युफैक्चरिंग वी हैव कंटिन्यूड द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द फेवरिंग टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज बट स्टिल आर क्लेम वॉज डिसमिस्ड। तो उसके रेस्पॉन्स में जो आरपी के काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि एप्लीकेंट हैड फेल्ड, उनका केवल एक पॉइंट आर्ग्यूमेंट का रेस्पॉन्स था कि द एप्लीकेंट हैड फेल्ड टू स्पेसिफाई द क्लोज इन द एग्रीमेंट एंटाइटलिंग इट फॉर द क्लेम एंड देन एक्चुअली एडवांस फ्रॉम द कॉरपोरेट डेटर ऑफ रुपीज 1.60 करोड़ वॉज लाइंग विद द एप्लीकेंट। तो कॉरपोरेट डेटर के काउंसिल ने तो केवल एक ही बात का जवाब दिया, रेस्पॉन्स में केवल एक ही बात कही है कि एप्लीकेंट हैज फेल्ड to specify the clause in the agreement entitling it for the claim and actually to corporate debtor is demanding 1.60 crores from the applicant. then NCLT decided in this way that we have carefully considered the submissions and arguments of the learned counsel for the applicant and the resolution professional and we find that the claim has been divided into two parts by the applicant. तो NCLT ने decide किया कि दोनों learned counsel के argument सुनने के बाद it was noticed that
जो क्लेम है एप्लीकेंट का वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट ये है, इट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 6.94 करोड़, एंड इट इज एडमिटेड फैक्ट कि ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इज इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये उन प्रोडक्ट्स के बारे में है जो कि प्रोडक्ट्स की सप्लाई एप्लीकेंट ने विदहेल्ड कर रखी थी और प्रोडक्ट्स आर स्टिल लाइंग विद द एप्लीकेंट ओनली। तो एप्लीकेंट का कंटेंशन था कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड कॉरपोरेट डेटर वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 17 फरवरी 2014, द एप्लीकेंट स्टार्टेड डिजाइन एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड कॉरपोरेट डेटर वॉज इरेगुलर इन रिलीजिंग पेमेंट्स सिंस द बिगिनिंग। सही बात है, द कॉरपोरेट डेटर वॉज सपोज टू ओपन LLC इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। खुद एप्लीकेंट का कंटेंशन, खुद एप्लीकेंट एडमिट कर रहा है यहां पे कि कॉरपोरेट डेटर वॉज सपोज टू ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉरपोरेट डेटर डिड नॉट डू सो। डेस्पाइट दिस द एप्लीकेंट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अग्रीड ऑन एश्योरेंस ऑफ द कॉरपोरेट डेटर टू रिलीज द पेमेंट। एश्योरेंस देर वॉज नो एश्योरेंस इन राइटिंग। It is the further contention of the applicant that it has already dispatched certain material at site against which some ad hoc payment was released and that the applicant insisted for the letter of credit of the entire value as per the contract condition, which the corporate debtor did not do so. That the applicant then withheld the further supply of rupees 6.94 crores. which is still lying idle at the works of the applicant in lieu of letter of credit, ऐसा applicant ने कहा। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि the claim would therefore be more in the nature of breach of contract, because यहां right to payment जो clause A है वो यहां पे applicable नहीं हो रहा, क्योंकि right to payment तो यहां पे तब आएगा जब अगर उन्होंने material supply कर दिया और dispatch कर दिया हो, but since material is still lying with the applicant in lieu of the letter of credit means it could be a case of breach of contract. But let us see if it is a case of breach of contract or not. So clause A defines that a right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, fixed, disputed, undisputed, legal, equitable, secured or unsecured. So this is not the case. Now clause B says right to remedy for breach of contract. बिल्कुल सही है, यहां उसके पास right to remedy for breach of contract है, लेकिन यहां ये लिखता है कि if such breach gives rise to a right to payment. अब whether this breach of contract gives rise to a right to payment to the applicant or not, here no. Why? Because there is an absence of clause of agreement. There is no clause of agreement which entitles applicant for right of payment. So section 36A would not be applicable since the applicant has not proved that he has a right to payment. So we have noted above that the pending material of 6.94 crore is stated by the applicant to be withheld and still lying at its work. There is no averment that under the terms of the agreement, the ownership of the material of rupees 6.94 crores passed to the corporate debtor. The ownership is still with the applicant. Therefore, since ownership has not been transferred, so there is no question of right to payment. Then section 36B would also not be applicable here since there is no averment that the breach of contract, if any, gives rise to a right to payment. Section 36B bhi yahan pe isliye applicable nahi hoga kyunki breach of contract bhi inko koi right to payment nahi de raha. Therefore, the applicant's contention of the claim of operational debt of rupees 6.94 crore cannot be accepted. Now, the remaining part, second part of the claim relates to material inventory cost, escalation cost, overstay cost, watch and ward totaling to rupees 28.48 crores.
अब दीज अमाउंट्स अपीयर टू बी इन द नेचर ऑफ डैमेजेज एंड वुड नॉट बी कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द क्लेम. व्हाई? बिकॉज देर इज एन एब्सेंस ऑफ क्लोज ऑफ एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट के क्लोज में कहीं भी ये होता कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पे इट विल गिव अ राइज टू राइट टू पेमेंट टू द एप्लीकेंट, देन इट विल बी कंसिडर्ड. बिकॉज क्लोज 3 सेक्शन 3(6)(b) सेज क्लियर दैट राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लेम इफ सच ब्रीच गिव्स राइज टू अ राइट टू पेमेंट. पर यहां पर ऐसा नहीं था. सो इन रिजल्ट देयर ऑफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड. तो हमारा कंक्लूजिंग रिमार्क्स आज का ये है कि अंडर द कोड द टर्म क्लेम इज एसोसिएटेड विद क्लेम ऑफ एनी डेट मेड बाई क्रेडिटर्स और क्लेमेंट्स. एंड दिस डेफिनेशन हैज टू लिम्स. पहला राइट टू पेमेंट ऑफ एनी डेट एंड सेकेंड राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट यहां पे इसको साथ में ये पढ़ना पड़ेगा कि राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ सच ब्रीच गिव्स राइट टू पेमेंट. देन ए राइट टू पेमेंट रेफर्स टू एनी इन्फोर्सिएबल ऑब्लिगेशन ऑफ द डेटर इंक्लूडिंग पेमेंट फ्रॉम द स्टेट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैंकरप्सी स्टेट. द राइट टू पेमेंट मे और मे नॉट बी रिड्यूस टू जजमेंट. नाउ फिक्स्ड क्लेम क्या होता है? इट इज ए क्लेम वेयर द क्रेडिटर हैज ए राइट टू पेमेंट फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट. लीगल क्लेम क्या होता है? इट इज वन वेयर राइट ऑफ क्लेमेंट टू पेमेंट ऑफ डेट और एनी अदर पेमेंट इज लीगली इन्फोर्सिएबल. इक्विटेबल क्लेम इज क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन ऑन जस्ट एंड फेयर ग्राउंड. तो एज अर्लियर स्टेटेड द राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स इज ऑल्सो कवर्ड बाई डेफिनेशन ऑफ द क्लेम. तो राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द क्लेम बट ओनली वेन सच ब्रीच गिव्स राइज टू राइट टू पेमेंट. The right entitles a party to recover damages for breach of any contractual obligation. इस केस में भी अगर यहां पे कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये होता कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी ऑपरेशनल क्रेडिटर को राइट right है या ऑपरेशनल क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू राइट टू पेमेंट, तो यहां पे ये क्लेम एडमिट हो सकता था. तो राइट टू रिकवर डैमेज मे और मे नॉट बी रिड्यूस टू ए जजमेंट. इट मे बी फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. बट वेन क्लेम बिकम्स डेट ओनली वेन इट बिकम्स ड्यू एंड वेन इट डिफॉल्ट. जिस दिन ड्यू हो जाए अगर ये पेमेंट नहीं होगा देन इट विल बी डिफॉल्ट. तो जब पहली बात क्लेम होना चाहिए, फिर क्लेम शुड बी कन्वर्टेड इन टू डेट, फिर डेट शुड बी इन डिफॉल्ट, देन ओनली यू कैन ट्रिगर इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट एनी कॉरपोरेट पर्सन. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे जाके आप विजिट करें फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.